अपने भविष्य के लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करूंगा, ना ही किसी को। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जिले में नशे की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए प्रयास संस्था एवं हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा डीके कॉलेज जैनाबाद डहीना में नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएस अधिकारी डीएसपी नारकोटिक्स जसलीन कौर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। जी हाँ, और आपको बता दें कि प्रयास संस्था ने नशे की लत के दलदल में फंस चुके लोगों को निकालने की मुहिम छेड़ रखी है। संस्था का मानना है कि इस समय समाज के विकास में नशा सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है, इसलिए खासकर युवाओं को इस लत से दूर करने की दिशा में काम चल रहा है। समाज में नशे को समाप्त करना नारकोटिक्स टीम व प्रयास संस्था का अहम लक्ष्य है, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए संस्था के साथ लोगों का कारवा जुड़ने लगा है। नशे की लत में आ चुके कई गरीब परिवारों का भविष्य चौपट हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जी हाँ, परिवार और बच्चों के भविष्य की चिंता दूर करने के लिए संस्था लगातार अपना अभियान चला रही है। और अब आगे आपको दिखाते हैं कि आईपीएस अधिकारी नारकोटिक्स डीएसपी जसलीन कौर व नारकोटिक्स इंचार्ज अनिल ने क्या कहा। व प्रिंसिपल व स्टाफ व चेयरमैन साहब व बच्चों सभी का धन्यवाद करता हूँ। कीमती समय में जो समय निकाल कर हमें दिया है। मेन मकसद क्या है, रेवाड़ी यूनिट, रेवाड़ी और नारकोट दोनों मेरे अंदर है, दोनों का मैं हिस्सा हूँ, ये हमारे अवसर है। मेन मकसद इस एनसीबी की जरूरत क्यों पड़ी, एनसीबी का मतलब क्या है। हरियाणा में ओनली, पूरे भारत में हरियाणा में एचएनसीबी सबसे पहले खड़ी हुई, जबकि एनसीबी सेंटर आपने देखा हमारे पड़ोसी राज्य है पंजाब, उसका क्या हाल। तो हमारे श्रीकांत जाधव आईपीएस जो है इसके चीफ है, उन्हें मुहिम चलाई भाई यहाँ के बच्चों को कैसे बचाया जाए, हरियाणा के बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने प्रयास 2020 से स्टार्ट किया था और 2022 के अंदर हमारे सीएम साहब ने इसका उद्घाटन स्टेट एक्शन प्लान लागू किया। तो सबने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, बट आप लोग टेंथ के स्टूडेंट भी हैं, कॉलेज के हैं सब, बारहवीं स्कूल के बैचलर डिप्लोमा। सो टेक्निकली सिर्फ 6-8 साल पहले मैं वहां गई, सबसे पहले सबने एक स्टोरी बताया था एक बच्चे का, वो 10th-11th में बहुत अच्छा था और फिर उसने ड्रग्स के उसमें वो आ गया और उसने उसका लाइफ खराब हो गया। मैं भी एक ऐसी स्टोरी जानती हूँ एक लड़के की जो डॉक्टर बनना चाहता था और फिर अगेन वो ड्रग्स केस में आ गया और उसका पूरा टाइम सिर्फ ड्रग मैनेज करने में ही लग रहा है कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, राइट। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्राइम से रिलेटेड,
बट अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स के उसमें आ रहा है, जो पेट में कोई अगर अडिक्ट बन रहा है, तो उससे सिर्फ उसका नुकसान नहीं हो रहा है, आई होप आप सबको ये चीज पता है राइट, तो उससे किसका नुकसान हो रहा है, उसका तो हो ही रहा है, एक तो ड्रीम खत्म हो रहा है, एक एम्बिशन खत्म हो रहा है, वो डॉक्टर बन सकता था, उसकी जगह कोई और होता तो वो IAS बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, वो आपकी तरह आपके फील्ड में फार्मेसी में कुछ कर सकता था, बट देन वो कुछ नहीं कर पा रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, उसकी फैमिली का भी नुकसान हो रहा है।